दोस्तों ये 3 लाख रुपए की मूर्ति है और इसको बनाने में लगा है 7 से 8 महीने का समय, और ये मूर्ति बनाया गया है चंदन की लकड़ी से। और दोस्तों आप ये देख रहे हैं जिसमें बादाम में बनाया गया है कृष्ण जी की मूर्ति, जो कि काफ़ी अच्छी है। और ऐसी ही काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे हुनर हाट। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू वाचिंग अभी प्रोस द सेलर। दोस्तों आज हम आए हैं हुनर हाट में, जो कि एक यूपी में लखनऊ की जो मेन सिटी है वहाँ पे हुनर हाट जो एक बड़ा सा प्रोग्राम जिसको वो किया गया है, और जिसमें मतलब जो लखनऊ में यूपी के जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे जो कलाकार हैं, जो मतलब हाथ से अपनी चीज़ें बनाते हैं या फिर मतलब जो छोटे मतलब व्यापारी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया ये हुनर हाट ने। और यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको कालीन और छोटे मोटे घर के सामान यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे। आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो वीडियो पूरा चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अंदर क्या क्या है। वैसे तो ये जो फेस्ट है 22 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक है, और अगर आप नहीं आए हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, यहाँ पे एंट्री फ्री है। और यहाँ पे जितने भी जो शॉप्स लगी हैं सब इंडिया की हैं, मेड इन इंडिया शॉप्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों। मैंने भी काफ़ी सुना है इसके बारे में, मैं भी आज आया हूँ दोस्तों। देखते हैं, चलते हैं अंदर कैसा है। Hold my breath, looking up. Life moves in waves, it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक मतलब कोने से जो वहाँ के मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने जो स्टेट की जो फेमस चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्टॉल लगा रखी है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मतलब अलग अलग स्टेट से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जो वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और जो डेकोरेशन की बात करें दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है, और ये आप मोटो पतलू को देख सकते हैं, लोगों को फ़ोटो खींचने के लिए इनको बनाया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है, बढ़िया जगह है यार शॉपिंग करने के लिए, मतलब पूरे इंडिया की चीज़ें एक जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी शॉपिंग करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं किसान का जो एक पूरा मॉडल बनाया गया है सेल्फी के लिए, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव है, पब्लिक यहाँ पर बहुत सारे जो लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। इसमें जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको कभी मार्केट नहीं मिलता है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, उनके लिए एक स्टॉल लगाया गया, उनके लिए एक जो हुनर हाट जो ऑर्गेनाइज़ किया है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे सबको एक अपना मार्केट मिल जाएगा, सबको अपना मतलब जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए एक स्टेज मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों।
हमने तो इन्जॉय किया और आप भी जाकर यहाँ पे घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं दोस्तों। और जो यहाँ पे मोस्टली चीज़ें हैं सब मेड इन इंडिया हैं, तो हमें तो काफ़ी पसंद है दोस्तों। अगर सामान खरीदना दोस्तों तो मेड इन इंडिया हम जरूर यहाँ पे प्रेफर करेंगे लेना। तो हम तो यहाँ पे गए दोस्तों, हमने यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग की है, काफ़ी सामान लिया। तो आप भी जा सकते हैं दोस्तों, 4 तारीख तक है और कल इसका आखिरी दिन होगा, तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और एक मेन चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हर शाम को एक फेमस सिंगर या कोई एक्टर या मतलब कोई ना कोई एक आता रहता है, तो अगर आप उसका लाइव परफॉर्मेंस भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जो कि शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक होता है। तो अभी कल कैलाश खेर आए थे और आज भी कोई सिंगर आने वाला है जिनका नाम अभी बताया नहीं गया है। दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कैसा है, और जैसा भी लगे दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। These hopes dance high like sparks for they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go. दोस्तों जो क्रेविंग आर्ट आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, इसको चंदन की लकड़ी में बनाया गया है। और हमने जब इनसे पूछा इसको बनाने में समय कितना लगता है दोस्तों, इन्होंने हमें बताया 7 से 8 महीना, और जो कि वाकई बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इतना समय लग भी सकता होगा क्योंकि जो इसमें डिटेलिंग की गई है काफ़ी बढ़िया है। और जो इसकी एक्सपेक्टिंग प्राइस है वो 3 लाख 50,000 के आसपास है। तो दोस्तों प्राइस भी इसका जेन्युइन ही है क्योंकि इसमें मेहनत काफ़ी लगा है दोस्तों, और एक चीज़ को बनाने में 7 से 8 महीना लगा है, आप समझ सकते हैं इसमें काफ़ी समय लगा है। और दोस्तों ये मतलब इसके अंदर एक नेचुरली जो सेंट है, जो फ्रेग्रेंस है जो चंदन का, वो काफ़ी बढ़िया है। इन्होंने बताया कि आप अगर इसको रूम में रखेंगे तो पूरा रूम जो है चंदन के वजह से स्मेल करेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसमें देख रहे हैं आप कार्विंग करके जो कृष्ण जी की जो सारे अवतार हैं उनकी सबकी इसमें मूर्ति बनाई गई है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। और एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली जिन्होंने जो इन्होंने नारियल में कार्विंग की हुई है दोस्तों, काफ़ी वाकई तारीफ करने की काबिल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनाया इन लोगों ने। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बनाया था जो मतलब बादाम के अंदर एक बनाया था, तो बादाम के अंदर एक कृष्ण जी की फ़ोटो बनाई थी जो कि काफ़ी बढ़िया थी, वो अभी शायद आपको दिखाएंगे। और ये जो आप देख सकते हैं आपके सामने ये बना रहे हैं दोस्तों, बढ़िया है यार, काफ़ी बढ़िया चीज़ हमें लगी है। और जो मैं बात कर रहा था दोस्तों बादाम के अंदर कार्विंग की, ये है देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर कृष्ण भगवान की जो स्टैचू को बनाया है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया था यार। मेरे को तो जो इस पूरे हुनर हाट में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी मुझे वही लगा था यार, जो चंदन की कार्विंग वाली थी, मेरे को तो बहुत सही लगा यार।
things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine. But I hope one day you'll break through. दोस्तों हमें यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग शॉप देखने को मिली, जिसमें आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे बच्चों ने कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके कितने अच्छे से कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कृष्ण जी की और जो पूरी रथ है उसको बनाया है, और काफ़ी बढ़िया दोस्तों, काफ़ी बढ़िया से डिटेलिंग करी है, कार्डबोर्ड का इतने अच्छा यूज़ किया है इन लोगों ने। और यही हैं दो छोटे बच्चे जिनकी मैं बात कर रहा था, इन लोगों ने ही ये पूरा जो स्टॉल है उसको लगाया है, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने बनाया है। दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर इस शॉप को ज़रूर विज़िट करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो बच्चे हैं बहुत ही अच्छा इन्होंने मेहनत किया है और बहुत ही मतलब अच्छे से बनाया है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि आपको यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना चाहिए, और इनके वहाँ से आप आएँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन लोगों ने जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ करके काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। Past to go.
दोस्तों फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा,